बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रेंटल इनकम के ऊपर है। बजट 10 तारीख को सेनेट में पेश किया गया और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की। आज के टॉपिक में हम रेंटल इनकम के ऊपर हम लेक्चर देखने वाले हैं और इस पे फर्दर एक सेक्शन इंक्लूड किया गया है बजट के अंदर। एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया गया है, आज हम उसको देखने जा रहे हैं कि जो टैक्स ऑन डीम इनकम होता क्या है, यानी कि टैक्स ऑन डीम इनकम है क्या, आज हम इसको देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखें, टैक्स फॉर रेंटल इनकम फॉर इनकम ऑन प्रॉपर्टीज, या टैक्स इम्पोज ऑन डीम इनकम फॉर इन मूवेबल प्रॉपर्टीज, न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2021। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत 7E को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि ये जो सेशन है ये है क्या। देखें, 7E टैक्स ऑन डीम इनकम कहता है टू स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द ऑर्डिनेंस फॉर द टैक्स ईयर 2022 एंड ऑनवर्ड, अ टैक्स शैल बी इम्पोज एट द रेट स्पेसिफिक डिवीजन। ठीक है, ये डिवीजन दे दिया ऑफ पार्ट वन ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल ऑन द इनकम स्पेसिफिक दिस सेक्शन। ठीक है, ऑनवर्ड जो भी होगा, ये एक इंट्रोड्यूस करवाया गया है इसको। ये जैसे एक नॉर्मल बिजनेस में आता है, अक्सर लोगों के पास प्रॉपर्टीज होती हैं और जिन पर वो रेंटल इनकम ले रहे होते हैं, ये उसके हवाले से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और एक सर्टन अमाउंट इसमें रखी गई है जो 25 मिलियन है। 25 मिलियन है, अगर 25 मिलियन तक अगर कोई रेंटल इनकम कमाता है उसके ऊपर जो है 1% एक इफेक्टिव रेट रखा गया है। और वो 1% कैसे निकलेगा, उसकी कैलकुलेशन है वो हम नीचे देखेंगे। 25 मिलियन है, 25 मिलियन के ऊपर, यानी कि इन्होंने एक सेशन बना दिया है कि कम से कम उसके ऊपर 1% आपको देना होगा। फर्दर जो रेंटल इनकम के ऊपर जो इनकम क्या कहते हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत जो सेक्शन 15 है उसके तहत जो भी बाकी इसके ऊपर टैक्स रेट इम्प्लीमेंट होने वो वैसे के वैसे रहेंगे। और अगर 25 मिलियन से ऊपर एक्सीड अमाउंट कर जाएगी तो वो टैक्स ऑन डीम इनकम में आ जाएगा वो बंदा, और इसको एज अ बिजनेस ही ट्रीट किया जाएगा, जिसमें हम जैसे हम देखते हैं कि जिसमें मिनिमम टैक्स होता है और इसमें मिनिमम टैक्स की एक क्लोज आ गई है, यानी कि मिनिमम टैक्स इसमें 1% है इतना, यानी कि अगर 25 मिलियन से एक्सीड करेंगे तो 1% तो हमें देना ही होगा। इसमें होता क्या था, पहले होता ये था कि जैसे एक बंदे के पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं और दूसरे बंदे के पास कम है और दोनों सेम टैक्स दे रहे थे, जिसकी वजह से ये सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया गया। जिसके पास ज़्यादा चीज़ें हैं, ज़्यादा यानी कि मालियत की घर हैं, उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा कर दिया गया है। तो इसको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं साथ साथ, देखें। और सेकंड क्या लिखा है, सेकंड पैराग्राफ है, अ रेसिडेंट पर्सन शैल बी ट्रीटेड टू हैव रिसीव रेंट इक्वल टू 5%। अगर कोई भी रेंट है उसको हमने 5% लेना है उसका ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू। अच्छा, फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है, फेयर मार्केट वैल्यू वो है जो FBR ने अपने एक चार्ट के थ्रू मुख्तलिफ एरियाज के ऊपर एक वैल्यू रखी हुई है उसकी जगह की। मसलन जैसे अगर हम कराची के हैं तो कराची में हैं तो कराची में मुख्तलिफ जगह के मुख्तलिफ रेट हैं, और FBR ने उसको स्पेसिफिक किया हुआ है उस रेट को, जिसमें सरजानी टाउन लगा लें या सदर लगा लें, उसमें मुख्तलिफ वैल्यूज हैं, तो उस फेयर मार्केट वैल्यू वो वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। और उसके बाद आ जाते हैं, अच्छा ये तो हो गया, इसमें क्या था, रेसिडेंट पर्सन शैल बी ट्रीटेड आई हैव रिसीव रेंटल इक्वल टू 5% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एन इन इमूवेबल प्रॉपर्टीज सिटेड इन पाकिस्तान, वेदर दिस सच प्रॉपर्टी हैज एक्चुअली बीन रेंटेड आउट फॉर एनी कंसिडरेशन और नॉट। ठीक है, एक तो ये जुमला था, ये जो मैंने आपको बता दिया है कि जो रेंट होगा वो 5% यानी कि इम्प्लीमेंट होगा, उस रेंट के ऊपर 5% से ज्यादा इम्प्लीमेंट होगा, और वैल्यू क्या होगी, मार्केट वैल्यू जो FBR के ऊपर अवेलेबल है। उसके बाद क्या कहता है, दिस सेक्शन शैल नॉट बी अप्लाई टू, अच्छा ये जो नीचे चीज़ें दी गई हैं इसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये है क्या,
ये देख लेते हैं वन बाय वन, ये सेक्शन किन पे इम्प्लीमेंट होगा, इन इन ये जो पांच छह चीजें हैं इनके अलावा ये जो सेक्शन है उन पे इम्प्लीमेंट होगा। सबसे पहले आ जाते हैं, क्या कहते हैं, वन सेल्फ ऑन इमोवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। जो पहला पार्ट है उसमें क्या है, अगर आपकी अपनी जाति है कोई जिसमें आप रह रहे हैं और वो होगी तो उसके उसके ऊपर ये जो टैक्स है इम्प्लीमेंट नहीं होगा, एक चीज हो गई। सेल्फ ओन बिजनेस प्रीमिस फॉर विच बिजनेस इज द कैरी आउट, और जो हम अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। सेल्फ ओन एग्रीकल्चर लैंड वेयर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज द कैरीड आउट बाय द पर्सन बट डज नॉट इंक्लूड फार्म हाउस एंड लैंड देयर टू, ठीक है, जैसे फार्म हाउस वगैरह है उनका, अच्छा ये एग्रीकल्चर के लिए यूज है तो उसके ऊपर नहीं लगेगा, लेकिन ये इंक्लूडेड अगर फार्म हाउस है तो फार्म हाउस पे ये टैक्स इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज इन द एग्रीगेट एक्सक्लूडिंग प्रॉपर्टीज द मेंशन इन क्लॉज ए बी एंड सी डज नॉट एक्सीड 25 मिलियन रुपीज। इसमें देखें मैं वही बात कह रहा हूँ, जो 25 मिलियन से ऊपर अगर नहीं जाता तो ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, अगर 25 मिलियन से ऊपर जाएगा तो ये सेक्शन उस बंदे के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा, प्रोविजन गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के ऊपर भी ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लैंड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर भी यानी कि नहीं होगा, नॉन फाइनेंशियल बिजनेस प्रोफेशनल ऑफ बोर्ड जो भी है इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। प्रॉपर्टी विच द सब्जेक्ट दैट्स अंडर 15 ऑफ द ऑर्डिनेंस टैक्स चार्जेबल इज मोर देन टैक्स चार्जेबल अंडर दिस सेक्शन, अगर ये सेक्शन 15 के मुताबिक अगर उससे एक्सीड कर जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। क्या है, मसलन इसकी इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर देखें इसके ऊपर 2.5 लाख रुपए अगर 1% पे लगता है और एक्सीड नहीं करता तो 20 मिलियन डिडक्ट हो, यानी कि 2 मिलियन डिडक्ट हो रहा है, मसलन 2 लाख रुपए डिडक्ट हो रहा है तो वो इस सेक्शन में आएगा ही नहीं। इसमें वो बंदा आएगा जो 2.5 लाख, जो 25 मिलियन से ऊपर होगा, 25 मिलियन से अगर ऊपर होगा तो वो इस सेक्शन में यानी कि उसके ऊपर ये सेक्शन इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। बाकी जो एज पर जो 15 सेक्शन है इनकम प्रॉपर्टीज इनकम टैक्स का, डायरेक्ट इनकम टैक्स का, बाकी सारी चीज़ें वैसे होंगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि प्रोवाइडेड दैट इफ टैक्स चार्जेबल अंडर सेक्शन 15 लेस देन टैक्स चार्जेबल द सेक्शंस और सेक्शन सो मच ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स व्हिच इज द एक्सेस ऑफ द टैक्स चार्जेबल अंडर सेक्शन 15 शैल बी पेड अंडर दिस सेक्शन। मैंने वही बात की कि वही जो अभी यानी कि 2.5 लाख 20 मिलियन से ऊपर होगा तो ये सेक्शन इम्प्लीमेंट होगा, वरना नहीं होगा। This federal government may include the exclude any person or property for the purpose of this section. Okay? According to Finance Bill 2022, the rate of tax under section 7E shall be 20%. यानी कि tax 20% है। अच्छा, इसकी calculation क्या है? ये 1% कैसे बना? ये मैं आपको बता देता हूँ। ये effective rate है। ये कैसे आएगा? देखिए, property की value अगर fair market value 25 million है और इक्वल टू उसने क्या कहा है, अगर ये आप ये लाइन देखें, ये इसमें दो तीन ये लाइन थी, इसमें क्या कहा है, रेंट यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू ले ली 5% आ गया और 25% आ गया, ठीक है, और मैंने जो वैल्यू ली 25 मिलियन ही ली। तो इसके ऊपर आ जाते हैं नीचे, हम इसको देख लेते हैं। मैंने क्या किया, 25 मिलियन को लिखा इक्वल टू 5%, ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इससे तो किस क्या फिगर आ गई, 1.2 मिलियन, यानी कि 12,50,000 की वैल्यू आ गई। अच्छा, उसके बाद इसने क्या किया, कहता है अप्लाई रेट, ये लास्ट अगर लाइन देखें, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस बिल 2022 द रेट ऑफ टैक्स अंडर, ठीक है, जो टैक्स अंडर आएगा वो सेक्शन 7E के तहत आएगा, तो क्या आएगा कि 12,20,000 पे और 12,50,000 पे 20% इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इनकम टैक्स जो आएगा हमारे पास वो 2.5 लाख आएगा, अगर 2.5 लाख को डिवाइड कर दें 25 मिलियन तो 1% बन जाएगा, ठीक है। और फर्ज करें कि आपको भी पता होगा कि नॉर्मल टैक्स, ये जो कंपनी का टैक्स है मेरे ख्याल में 29% है,
ये नॉर्मल टैक्स है। मिनिमम टैक्स जो अभी है वो 1.25% है, कॉर्पोरेट टैक्स 17% होता है और नॉर्मल टैक्स जो कंपनीज का वो 29% है। ठीक है, अब फर्ज करें कि ये बंदा 2.5 लाख से ऊपर, 2.5 लाख कह रहा हूँ, 25 मिलियन से ऊपर चला जाता, तो 25 मिलियन से ऊपर जाएगा तो इस बंदे के ऊपर ये वाला सेक्शन इम्प्लीमेंट होगा। ये तो ये लाजमी जमा करवाएगा 1.25 लाजमी। मसलन अगर ये फर्ज करें ये 1.25 आपको सिर्फ एज अ एग्जांपल बता रहा हूँ कि इसका जो है 1. जैसे नॉर्मल बिजनेस का मिनिमम रेट 1.25 है, इसका जो मिनिमम रेट है मिनिमम टैक्स रेट है वो 1% है। 1% कैसे आया मैंने आपको बता दिया, अगर इससे ये कम होगा 1% से अगर ये वैल्यू कम होगी तो फर्दर जो भी अमाउंट निकलेगी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 1% और जो एक्सीड अमाउंट जो यानी कम अमाउंट होगी वो हमें जमा करवानी होगी। अभी इस पर काफ़ी सारी चीज़ें आना बाकी हैं, जैसे पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होगी इसको और ज़्यादा इसको हम डिफाइन करेंगे। अभी तो वक्ती तौर पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे ये देखें कि 2.25 मिलियन है, इसका 5% निकाला तो ये अमाउंट आ गया 20% आ गया, तो इसका जो मिनिमम रेट है मिनिमम रेट जो इफेक्टिव रेट है वो 1% है। जैसे हम नॉर्मल बिजनेस का देखते हैं 1.25 है। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे क्या है सेक्शन 15 इनकम फॉर प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें क्या है 1% है, वैल्यू एक्सीड 25 मिलियन देन मिनिमम टैक्स अप्लाई ऑन इट 1%। फर्ज करें कि अगर मेरे साल में अगर साल के एंड में जाता हूँ और ये 1% नहीं बनता, मसलन मैंने 2,40,000 रुपये जमा करवाया हुआ और 10,000 बाकी हो, तो फिर ये मुझे 10,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। इन केस अदर देन केस अगर ये यूँ हो कि मेरा 2,60,000 जमा करवा दिया और जबकि मेरा टैक्स बनता ही 2.5 लाख रुपये हो, तो जो 10,000 एक्स्ट्रा दिए होंगे वो मेरे रिफंड में आ जाएंगे। इसके अलावा फर्दर इस पर जो भी चीज़ कोई नई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह हम इस पर ज़रूर डिबेट करेंगे। और अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा बताने की। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।